दिग्रह शहर में इन दिनों विभिन्न इलाकों में जलापूर्ति सुविधा बुरी तरह चरमरा गई है। आए दिनों कहीं न कहीं पीने के पानी को लेकर नागरिकों में हताश का दौर जारी है। मंगलवार को घंटी बाबा परिसर में पानी की किल्लत से बेजार लोग नालियों से सटी पाइपलाइन से पानी भरते नजर आए। इस मौके पर नागरिकों ने नगर सेवक सहित नगर पालिका प्रशासन पर अपना रोष जाहिर किया है। दिग्रस नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही और संबंधित इलाकों के नगर सेवकों की बेख्याली के चलते गर्मी के मौसम में जलापूर्ति की समस्या से जनता त्रस्त हो चुकी है। आए दिनों किसी न किसी इलाके में लोग पानी की किल्लत से जूझते नजर आ रहे हैं। ये समस्या अमूमन अब रोज देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि दिग्रस शहर के लिए निर्धारित जल भंडारों में पानी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि संबंधित इलाकों के नगर सेवक इस समस्या से वाकिफ नहीं है। उन्हें सब पता है, लेकिन फिर भी उनकी लापरवाही और नजरअंदाजी लॉकडाउन के मियाद की तरह बढ़ती जा रही है। मंगलवार को घंटी बाबा परिसर के नागरिकों ने पानी की किल्लत पर नाराजगी जताते हुए बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में नगर सेवकों सहित प्रशासन को अपना दुखड़ा सुनाया, लेकिन कोई हल नहीं निकाला गया। अफसोस की बात है कि माह रमजान में भी रोजे की हालत में इन नागरिकों पर बूंद बूंद को तरसने की नौबत आन पड़ी है। गंदा पानी पीना पड़ता है रोजे में भी, उसमें मोबाइल में पूरा गंदा पानी आ रहा है। कितने दिन बाद आते नल? 6 दिन के बाद। नाली में से पानी भरने पड़ता तुमको? ये नाली में से पानी भरना पड़ता पूरा। कुछ अंदर साहब को कंप्लेंट करे थे हमने, बराबर करके दो थोड़ा। तुमको आ जाता हूँ जंदन साहब में। इसमें से देखो ना, तो नाली में से करके मोबाइल लेके देखो पूरा आ जाता। बरसात में तो पूरा भर जाता हो, वैसे पाइप लगाते। 6 दिन के बाद में नल आते हैं, उनको पानी नहीं मिलता। बहुत एले होते हैं हमारे पानी के, और फोन करे तो फोन भी काट देता, बोलता भी नहीं बराबर कब छोड़ना क्या छोड़ना, क्या करेंगे, रोजों में पानी भर रहे हैं। मालूम हो कि जहां एक और कई इलाकों में नागरिक पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वही हाल फिलहाल कच्ची चौक से पुरानी नगर पालिका रोड पर स्थित पाइपलाइन में मंगलवार को फिर से बिगाड़ उत्पन्न हुआ है। देर तलक हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ, जबकि कुछ दिन पहले भी पाइपलाइन का पोल फूटने से यहां पानी की बर्बादी हुई थी, और आज दोपहर के बाद यहां मरम्मत का काम शुरू हुआ है। बहरहाल पहले ही कोरोना संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन से लोग बेरोजगारी और आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे लोगों को जलापूर्ति जैसे उनके बुनियादी हक से वंचित रहना पड़ रहा है। ये बेहद अफसोस की बात है। संबंधित नगर सेवकों और स्थानीय प्रशासन को गंभीरता से इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।